नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में लॉकडाउन में दुकान बंद वाले समय का किराया नहीं देने पर दुकानदार और मालिक के बीच मारपीट हो गई। वहीं मालिक ने दुकानदार का दुकान में से सामान सारा फेंक दिया। देखिए, समस्तीपुर जिला रोसड़ा और अनुमंडल रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंद चौक भेरवा रोड सरस्वती गारमेंट्स कपड़ा दुकान में किराया मांगने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें, अशोक कुमार जो 10 वर्षों से कपड़े का व्यवसाय करता है, इस लॉकडाउन के कारण कपड़ा का दुकान बंद था। बंद अवधि का किराया शंभू झा नामक व्यक्ति मांगने के लिए दुकान में आया, लेकिन दुकानदारों ने कहा कि आज दुकान खुली ही है, 2-4 दिन होने के बाद लॉकडाउन की अवधि का किराया दे देंगे। उन्होंने जिद करते हुए कहा कि किराया हमें आज चाहिए। जब किराया नहीं मिला तो उन्होंने दुकान में ताला लगा दिया। जब अशोक दुकान खोलने आया तो अपना ताला नहीं देखा तो मालिक से कहा, ताला इसमें क्यों जड़ दिए है, कुछ समय दीजिए, किराया दे देंगे। उन्होंने आज किराया देने की बात फिर करने लगा। दोनों तरफ से बातचीत के दरमियान मारपीट होने लगा। सूचना रोसड़ा थाना को गई। रोसड़ा थाना के SI अशोक सिंह अपने दल बल के साथ आया और दुकानदार को उठाकर थाने ले गए। जब दुकानदार की माँ, बहन, पत्नी दुकान पर पहुंचा तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। इससे पहले दुकान मालिक जो किराया मांगने आए थे, किराएदार के भाई को उठाकर ले गया। बताया जा रहा है कि दुकान खाली कराने के लिए बाहर से असामाजिक तत्व को लाया गया था, जिसने दुकान में सजे कपड़े को बाहर फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। क्या मामला है, आप जो ऐसे कर रहे हैं? हमारा दुकान के बेटा रहे, लॉकडाउन में दुकान बंद रहे, सब पूजा किराया मांगे थे, हम कहे दुकान खुले दियो, आज हम किराया देव, हमें काहे दुकान खोलबे के लिए आए। हमारा जैसे से हमारा भाई के, हमारा माई बहन के सब तो खुशी तोड़ तोड़ के मार लगा है, दौड़े दौड़े मार लगा है, कुत्ता भाई के मार लगा है, सब पूजा 20 गो कांडे रहे, वो अपना सबके रंगबाज के। क्या नाम है? हमारे नाम अशोक कुमार मातो भेले। दुकान क्या नाम? दुकान के नाम सरस्वती गारमेंट्स। मम्मी हमर है, भाई रहे, हमर बहन रहे, हमर भौजाई रहे, हमर पत्नी रहे, सब के मार के सुता देल के जगह पर। प्रशासन को खबर की थे? प्रशासन के सर खबर कल के, प्रशासन हमरा भाई पकड़ कर लल के थाना में, हमर भाई चाचा के बेटा गले, प्रशासन लग, प्रशासन के वो हमरा भाइयो के बंद कर देल के, मोबाइल पर ले लेल के थाना पर पैसा दे के आनने रहे, हमरा थाना नहीं साथ दल के को पैसा, थाना आइले बु देखत रहे तू बंदा मार बताए, सब थाना आइले सब सब बु जा कर के हमरा पूरा दौड़ा दौड़ा मार लगे घर में सब के दया बहन के, जो देख लियो भैया सब के मार के सुताए कर ले। तो एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।